आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। एक नजर राजनीतिक गलियारों पर, आम लोगों की दिनचर्या हुई दुभर। खबर है छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत देश की, जहां जो भी सरकार हो जनता को लुभावने सपने दिखाकर सत्ता हासिल तो कर लेती है, फिर वे अपने वादे निभाना शायद भूल जाती हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य में बैठी सरकार, आम जनों को मूर्ख बनाने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते और भोली भाली जनता को मन लुभावन सपने दिखाकर भूल जाते हैं। एक तरफ कोरोना ने झकझोर कर रख दिया, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी और यही वजह रहा कि आम लोगों की रोजगार छीन गई। अब समस्या यह भी है, अभी जो कमर तोड़ महंगाई ने आम लोगों को झकझोर कर रखा हुआ है और किसी भी राजनीतिक दलों ने महंगाई पर अंकुश लगाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे ही आलू प्याज की महंगाई से पूर्व में सियासत इतना गर्मा गई कि केंद्र के कांग्रेस शासित मनमोहन सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ा। एक तरफ केंद्र और राज्य के सरकार आम आदमी किसान हितैषी होने के लाख दावे ठोकने से पीछे नहीं हटते, तो वहीं इस महंगाई में सभी देश प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। यह तो समझ के परे है, यहाँ पे बताना लाजमी होगा कि 1300 रुपए की फल्ली तेल की प्रति टन अब 2100 से 2200 रुपए बिक रही है। वहीं 450 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहे हैं। पेट्रोल डीजल की रेट तो जैसे आसमान ही छू लिए। अभी हाल ही में प्याज छण सीमेंट की महंगाई बढ़ोतरी कर जेब काटे जा रहे हैं, जो आम लोग सहित छोटे तबके के लोगों के कमर तोड़कर रख दिया है। फिर भी राजनेताओं की जुबान नहीं खुल रही। मोदी सरकार के द्वारा जो आज तक अमल नहीं हो रहा है, छण सीमेंट, रसोई गैस, मीठा तेल, सभी को रेट आसमान छू जा रही है, जो सरकार के मुद्दे के अनुसार अमल नहीं की जाती है। सबसे अहम बात तो यह है कि किसानों की समस्या कभी थमने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। इससे तो ये प्रतीत होता है कि आम लोगों सहित किसानों की समस्या सुनने के लिए किसी भी राजनेताओं के पास टाइम ही नहीं है। केंद्र सरकार महिलाओं के जनधन खाते में ऊंट के मुंह में जीरा के समान महज 500 रुपए डालकर खूब वाही बटोरी, उसके एवज में रसोई के लिए ब्याज सहित कीमत चुकाने पड़ रहे हैं। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी, क्या केंद्र सहित राज्य के सरकार इस ओर कोई पहल करेगी या करेगी तो कब तक। यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।